आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के Facebook, Twitter, Instagram पेज को भी फॉलो करें। गुमला पॉलिटेक्निक के मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की छात्रा हीना सचदेवा का टाटा स्टील लिमिटेड में चयन हुआ है, जो सराहनीय है। छात्रों को अंतिम शिक्षा साक्षात्कार एवं मेडिकल फिटनेस टेस्ट के पश्चात टाटा स्टील में पदस्थापन हेतु कंपनी ने बधाई ईमेल भेजा है। हीना सचदेवा ने अपनी देश स्तर की नौकरी से संस्थान को गौरवान्वित किया है, जिसके लिए संस्थान के निदेशक श्री अभिजीत कुमार, शशि निकाय की सदस्य श्रीमती रेणुका यशवी, प्राचार्य डॉक्टर शिव नारायण साहू एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री अजीत कुमार शुक्ला सहित सभी विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकों ने बधाई दिया है। संस्थान के अंतिम वर्ष के छात्रों की फाइनल परीक्षा 13 जून से प्रस्तावित है, जिसे देखते हुए अन्य कंपनियों से परीक्षा उपरांत ही प्लेसमेंट हेतु आने की बात की गई है। छात्रों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छी प्लेसमेंट देना संस्थान अपना दायित्व समझता है तथा इसे हेतु हर संभव प्रयासरत रहता है और बहुत जल्द संस्थान का यह प्रयास रंग लाएगा। फिलहाल सभी छात्रों से आगामी 13 जून से शुरू होने वाली परीक्षा पर फोकस करने की सलाह दी जाती है। हिना सचदेवा ने बताया कि पूरी सफलता का राज अपनी माँ को मानती हूँ। इस दौरान हिना ने बताया कि कॉलेज में मेरी यात्रा ने मेरे जीवन को कई तरह से समृद्ध किया है। इसने मुझे अपने कौशल और अधिक बढ़ावे के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान प्रदान किया है तथा मुझे इस विविध दुनिया और सामान्य रूप से लोगों और अवधारणाओं के बारे में मूल्यवान ज्ञान सिखाया है और अंततः मुझे जीवन में और अधिक सफल बनाने के लिए सक्षम बनाया है। इस संस्था के साथ मेरा अनुभव वास्तव में अपूर्ण है। सर, मेरी बेटी को पढ़ाने में मेरे को परेशानी बहुत आई कि इसके पापा उस समय थे तो एडमिशन करवाए बच्चों के, तो वो 10-12 दिन के बाद डेड कर गए थे, तो परेशानी आई। तो उसके बाद हमने इस परेशानी को झेलते हुए अपने बच्चों को पढ़ाया और अपने आप में बहुत मजबूती लाई। तो गुमला पॉलिटेक्निक से बहुत हेल्प मिली फीस के दौरान कि मेरे को फीस के दौरान इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके हमने बात की तो उसको हमने जमा किया। सर, मेरी बेटी ये टाटा स्टील में एग्ज़ाम लिखी थी, उसमें उसका एक क्लियर हो गया है, तो इसीलिए इसमें हमको ये लगा कि कम से कम चलो मेरी मेहनत से और बच्चों की मेहनत से आज उनको सफलता प्राप्त हुई है। गुमला पॉलिटेक्निक के अंतिम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्री हिना सचदेवा टाटा स्टील JEE एग्जामिनेशन 2022 में चयनित हुई है। उसके लिए हमारे डायरेक्टर सर श्री अभिजीत कुमार सर के तरफ से बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। डायरेक्टर सर श्री अभिजीत कुमार सर के मार्गदर्शन में उनका सपने साकार होने के दिशा में ये एक सफलता है। राज्य के विभिन्न प्रांतों से गुमला पॉलिटेक्निक में छात्र अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं और हम श्री अभिजीत कुमार सर के दिशा निर्देश से मार्गदर्शन से हर एक स्टूडेंट को अच्छा अभियंता बनाना और देश के अच्छे कंपनी में उनको जॉब दिलाना, यही दिशा में हम लोग आगे। सचदेवा है और मैं गुमला पॉलिटेक्निक की छात्र हूँ। मैंने 15 अप्रैल को एग्ज़ाम दिया था, जेट का जूनियर इंजीनियर जो ट्रेनी एग्ज़ाम था उसमें मैं क्वालिफाइड हुई हूँ। उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू था SNTI जमशेदपुर में, उसमें मुझे मेल आया जिसमें मैं क्वालिफाइड हो चुकी हूँ और वहाँ पर मेरा प्लेसमेंट हुआ है और मैं गुमला पॉलिटेक्निक में मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है और मैं 6th semester की छात्र हूँ। मैंने अपना 10th नॉटरडम सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल गुमला से किया है। उसके बाद फिर मैंने 11th-12th DAV पब्लिक स्कूल गुमला से किया है। जब मेरा एडमिशन हुआ तो उस टाइम मेरे पापा का डेथ हो गया था। उसके बाद जो भी है, मेरी मम्मी ने सब कुछ मैनेज करते हुए मुझे और मेरे से दो छोटी मेरी बहनें उनको पढ़ाया और आज मैं इस मुकाम तक हूँ और पूरा क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है और जो भी यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं और फैकल्टीज मेम्बर हैं, उन्होंने मुझे बहुत बहुत मदद किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। क्या गया था सर? इंस्टॉलमेंट में था तो मुझे 1-2 महीने का टाइम मिलता था, टाइम फैसिलिटी मिला। यस सर। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट।